मैं यहाँ पे सॉरी सॉरी ये कलेक्शन देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा विद ऑफ यू ऑल हैव सीन. मैं अभी एंटर की हूँ एंड वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस कलेक्शन. मनाली इज़ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड उसने मुझे जब कलेक्शंस के बारे में बताया था द बेस्ट थिंग अबाउट एमवीएस ज्वेलरी के लिए यू कैन चूज़ योर ओन ज्वेलरी. यू कैन ऑल्सो टेल दैम वॉट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर एंड इट्स वेरी ट्रेंडिंग. दिस समथिंग आपको पोलकी और सब में तो मिल ही जाता है बट कोई कोई ऐसी होती है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एमवीएस ज्वेलरी इज़ लाइक व्हेन यू कम एंड बाय इट योर डायमंड्स में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है. सो व्हेन यू बाय अ डायमंड यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर दैट के अच्छा ओके एंड सर्टिफिकेट स्पेशली लेना पड़ता है. सो येस दे प्रोवाइड एवरीथिंग विद दैट. द डिज़ाइन इज़ माइंड ब्लोइंग. ओनली इफ़ यू वेयरिंग अ इयर रिंग और रिंग और ओनली अ डायमंड सेट आई थिंक इट विल इन्हांस एंड इतना एलिगेंट लगता है पहनने के बाद. ऑल द गर्ल्स दे ऑल्सो फील दैट वेरी स्पेशल. वही लास्ट ईयर मैंने बोला था कि मुझे कुछ बहुत डिफरेंट सा चाहिए. सो उसने एक जैगवार की रिंग बनाई थी और मुझे इतनी अच्छी लगी थी. वेरी डिफरेंट कलेक्शन. मुझे बहुत सिंपल बिकॉज मेरे डे टू डे की रूटीन में मैं इतनी सारी ज्वेलरी पहनती हूँ तो मुझे बहुत सिंपल बट एट द सेम टाइम आउटस्टैंडिंग ज्वेलरी चाहिए होती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरी हुई चीज़ें पसंद नहीं है. सो अकॉर्डिंगली शी गिव्स मी नाइस हैवी इयर रिंग विद अ नाइस रिंग. मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे सिर्फ एक रिंग का शौक है. मुझे ज़्यादातर स्टड हल्के पुल्के इयर रिंग्स या रिंग का शौक है. सो जब मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था एंड देन शी गिफ्टेड मी जैगवार का रिंग एंड नाइस फाइन इयर रिंग विच इज़ दैट कफ नहीं होते कान के ऊपर आते हैं वैसे विच इज़ वेरी इन कि आप इयर रिंग्स के पीछे एक और स्टड डाल के यू कैन वेयर इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. सो मुझे वो भी बना के दें. एंड अभी तो दिवाली भी आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई ज्वेलरी. तो मैं स्पेशली अपना शूट वूट ख़त्म करके सिंधु रंगों के साथ आई हूँ एंड जस्ट घुसी हूँ. एंड आई लव वन एक बड़ी सी ज्वेलरी है जो फ्लावर के फ्लावर टाइप है एंड विच इज़ लाइक वेरी डोमिनेटिंग. तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी एंड आई थिंक आप लोग ने तो देख ही लिया होगा. एंड आई थिंक आई विल आल्सो गो एंड सी इट. ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेसेस में तो बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं बट आई लाइक टू प्ले विद कलर्स. एंड कलर्स मुझे ऐसे लगता है दैट आधा काम तो कलर विल ओनली डू इट. नॉर्मली आप वाइट या ब्लैक या प्लेन जाना पसंद करते हैं बट आई लाइक वेयरिंग डिफरेंट पर्पल एंड ऑरेंज और लेमन येलो जो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं. ऑल द व्यूवर्स आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी दिवाली प्रॉस्परस दिवाली. एंड क्रैकर्स जलाते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है. हमारे घर में भी डॉग्स हैं उन्हें भी तकलीफ़ होती है एंड एक्चुअली आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए. सो हैप्पी दिवाली.